इस साल भी ईद मिलाद और गणेश फेस्टिवल एक साथ आ रहे हैं और इस मौके पर गुलबर्गा डीसी फौजा तरनम ने पीस कमेटी की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर कई एक अहम जानकारी दी है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। गुलबर्गा डीसी फौजा तरनम पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा, एसपी अधूरु श्रीनिवासुलु, कॉरपोरेशन कमिश्नर भुवनेश पाटिल, डीसीपी कनिष्का शिकरवाल, केकेआरटीसी एमडी रक्षप्पा और दीगर जिले सतह पर ऑफिशियल्स इस मौके पर यहां मौजूद थे और साथ ही पूरे डिस्ट्रिक्ट से पीस कमेटी से जुड़े सभी रिलीजियस लीडर, सोशल एक्टिविस्ट और एरिया के अहम जिम्मेदारों को इस पीस मीटिंग में इनवाइट कर एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से लागू की गई गाइडलाइंस को समझाया गया है। इस मौके पर डीसी फौजिया तरन्नुम जी ने कहा, गुलबर्गा हमेशा से गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के साथ रहते हैं और तमाम फेस्टिवल को अमन अमान के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और इस बार भी भाईचारगी के साथ अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का आदेश दिया गया है। फौजिया तरन्नुम जी ने कहा, गणेश आइडियल इंस्टॉलेशन प्रोसेस 7 सितंबर से शुरू होगा जिसमें 11 दिनों तक कल्चरल प्रोग्राम किए जाएंगे और 16 सितंबर को ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट किया जाएगा और साथ ही हर तालुकों में गणेश आइडियल इंस्टॉलेशन और ईद मिलाद के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जा रहा है। डीसी फौजिया तरन्नुम के अलावा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा जी ने कहा, पूरे सिटी में कुल 600 गणेश मूर्तियां बिठाई जा रही हैं जिसके लिए हर जगह पुलिस बंदोबस्त लगाना इम्पॉसिबल है, पर हर जगह पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। वैसे तो गुलबर्गा अमन अमान और भाईचारगी की मिसाल है, पर इसके बावजूद कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है तो कानून को अपने हाथ में लिए बगैर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। और एसपी अधूरु श्रीनिवासुलु ने कहा, ऐसे हालात में कुछ सरपसंद लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं और खासकर सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप पर फेक फोटोज और वीडियो शेयर कर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है। शहर के आवाम को चाहिए सोशल मीडिया के जरिए दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करने से पहले वेरीफाई करें। एसपी अधूरु श्रीनिवासुलु ने कहा, हर इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग जारी रहेगी, पर इसके बावजूद गणेश मूर्तियां बिठाने वालों को रात के वक्त वॉलंटियर्स तैनात करने का आदेश दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर सख्ती से रोक लगाई गई है। और साथ ही कॉरपोरेशन कमिश्नर ने कहा, पीओपी से बने मूर्तियों पर भी पाबंदी लगाई गई है। सभी मूर्तियां बिठाने वालों को चाहिए कि बिना केमिकल से बनी मिट्टी की मूर्तियां इस्तेमाल करें। और कॉरपोरेशन कमिश्नर ने कहा, शहर के हर वार्ड में छोटी मूर्तियों के विसर्जन के लिए कॉरपोरेशन की जानिब से अलग अलग जगहों पर टेम्पररी इंतजाम किए गए हैं और बड़े साइज में बनाई गई गणेश मूर्तियों को जगत तालाब के करीब मुकर्रर जगह पर विसर्जन किया जाएगा। गणेश फेस्टिवल और ईद मिलाद के वक्त इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सीसीटीवी कैमरा, खराब सड़कों की मरम्मत और दीगर अहम कामों पर भी बात की गई है और इस मौके पर पीस कमेटी के जरिए आए तमाम जिम्मेदारों ने भी अपनी अपनी राय रखी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और सभी को नमस्कार, मैं फाजिल इस्लाम अहमद शेखी मशहूर नायब मुतवली जामा मस्जिद खिला गुलबर्गा। मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस तरह से लास्ट ईयर का जो इंतजाम किए थे काबिल तारीफ है। मैं चौक प्रशिक्षण मीटिंग में भी कहा था कि आप लोग के इंतजाम काबिल तारीफ है, मैं सबको शुक्रगुजार हूँ। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि गुज़श्ता साल ईद मिलाद और गणेश सफर एक साथ आया था, मगर हम लोग ईद मिलाद दूसरे दिन करके गुलबर्गा की बेहतरीन प्रसाद हिंदुस्तान में पेश किए। दूसरी बात, गुज़श्ता साल भी सीरत कमेटी की तरफ से ये तय किया गया था कि डीजे इस्तेमाल ना करें, मगर फिर भी कोई कोई इस्तेमाल किए हैं। इस साल जो मीटिंग हुई है फराज उस्मान साहब के सदारत में, उसमें यह तय किया गया है कि डीजे का इस्तेमाल खत्म ना हो। और हम कानून के रूप को फॉलो करते हुए ಹಬ್ಬ ಮೂರು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆವೆಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸೆವೆಂತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ ವಿಸರ್ಜನೆ 5 ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 9 ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ 11 ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ 10 ದಿನಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ 11 ದಿನ ಬರೋ ಕಾರಣ ಥೋಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವಂತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇದೇ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಭೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಏನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ತಮ್ಗೆ ಅರಿವು ಬರಲಿ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋದು ಈ ಸಭೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ना इंटरनली 2-3 मीटिंग अदर ना ऐन गईड बहुत ना प्रस्ताप मादी निर्देशन तालूक हेड क्वार्टर सिंगल विंडो सिस्टम सेटअप हाकिदे अल्ली निंदु ईद मिलाद प्रोसेशन आगली नम गणेश चतुर्थी इदु ना अरेंजमेंट्स प्रति डिपार्टमेंट ऑफिशियल नेमकाति मास्बिट्टु कड़े निमगे रीति मूरु दिन ओलगडे रीति निमगे पर्मिशन आ रीति अनुकूलते पुलिस स्टेशन नगर दु आगली नम जिले दु स्टेशन आगली प्रति कड़े शांति सभ्यवे पीस कमिटी नवर्गे समिति कर्तु मीटिंग आगे तमेल बेडिके ना नोट डौन मी डेफिनेटली नम जेस्कॉम वतिया कॉर्पोरेशन चीफ ऑफिसर्स कमिश्नर्स ऐन आगे लैंड फिल प्रिपरेशन आगे ट्राफिक सुव्यवस्थे ऐन आगे चर्चे नडदिदे अदु नावु माड्तीवि तावु हिंदिन वर्ष एष्टु बहळ श्लाघनीय आगिरुवंत सहकार कोट्टिदीर अंत अदे रीति अदक्किंत जास्तिने ई वर्ष सह कोड्तीर अंत नंगे ओंदु सदृढ विश्वास इदे सो वी विल गो औट आफ् दि वे टु हेल्प औट आफ् दि वे टु फेसिलिटेट बोथ द सेलेब्रेशन्स एल्ल हब्बगळन्न शांति रीतियिंद नीवु संभ्रमदिंद आचरिसलिक्के नावु सहकार कोड्तीवि ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಬಹುಶಃ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ನಗರದಲ್ಲಿನೇ ಒಂದು 600 ಪ್ಲಸ್ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ 24/7 ಅದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಪೆಂಡಾಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಂದು ಒಂದು 4-5 ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬರುವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಯರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಬಟ್ ಈ ಸತಿನೂ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮೂರ್ತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಬಟ್ ನೈಟ್ ಯಾರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಲ್ಲೇ ದೇವ್ರ ನಂಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನು ವಾಲಂಟೀರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಏನು ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಏನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸಿಬಲ್ಸ್ ಮೀರಿ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ 10 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೂ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತಿದೆ ಅದು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲಾರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ NGT ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಗಣೇಶ್ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಏನು ಇರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ POP ಗಣೇಶ್ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಟೋಟಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಸ್ವಂತ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರು ಲಾಭ ಪೂರ್ತಿ ಮಣ್ಣಿಂದು ವಿಗ್ರಹಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡು ಅದನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ FIR ಮಾಡಬಹುದು तमाम गुलबर्गा वालों को गौरी गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तमाम गुलबर्गा की आवाम को मुबारकबाद देता हूं और ये दुआ करता हूं कि जिस तरह से आज जो हालात है बारिश की वजह से जो लोग गांव वगैरह बहुत सारे काफी डूब चुके हैं उनके लिए भी मैं तमाम लोगों को दुआ करने की और उनको सपोर्ट करने की इस ईद मिलादुन्नबी और गणेश चतुर्थी में मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं और जिस तरह से आज पीस मीटिंग में ये बात भी है कि हर तरह का सपोर्ट जो है ना कानून की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से है तो मैं चाहता हूं कि आवाम भी जो है ना इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और ये दुआ करता हूँ कि ये जो गुलबर्गा है हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक मिसाल है तो तमाम लोगों के एज ए रोल मॉडल की तरह हम आने वाले वक्त में पूरे कर्नाटका और पूरे देश में ये बात सुख और शांति जिस तरह से पीस मेंटेन करते हैं गुलबर्गा वाले
ये चीज उस तरह की एक मैसेज देना, मैं आवाम से ये गुजारिश करता हूँ। आज डीसी ऑफिस में एक पीस मीटिंग रखी गई थी, यहाँ पर जो है ना तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम मजहब के लोग यहाँ पर जमा हुए थे। तो हम एक दूसरे के जो गंगा जमुना तहजीब के साथ लेकर चलते हैं, तो भाई बहन हम मिलकर जो है ना ईद हर ईद हम मिलकर मनाते हैं। यहाँ पर जो है ना अमन और शांति का पयाम जो है ना सदियों से आता रहा है और आज भी वही रहेगा और आने वाले दिनों में भी वही पयाम हमारे पास चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के लोग है, डीसी ऑफिस मीटिंग रखते हैं, कानून है, कानून के तहत उनका फर्ज होता है कि एक पीस मीटिंग के तौर पर बुलाया जाता है। लेकिन हम तो पीस हमेशा से पीस है, आगे भी पीस रहेंगे इंशाल्लाह ताला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गणेश जी की इस त्यौहार की खुशी के मौके पर मैं मोहम्मद जिलानी हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी जानिब से हमारे भारत सर, हमारे हीरालाल मामा, हमारे शशिकांत सर, बरादर वतन जो हम दिल की गहरा होते हैं, ईद और त्यौहार की दोनों की मुबारकबाद पेश करते हैं। गुलबर्गा शहर एक गंगा जमुना तहजीब का शहर है, ईद और त्यौहार हम दोनों मिलकर करते हैं, ये एकता हमारी शान है और तमाम मजहब के भाई यही देश की शान है। जिस तरीके से पुलिस ऑफिसर ईद और त्यौहार दोनों की नजर से देखते हुए 24 घंटे हमारा साथ देते हैं और वो कानून के रूल्स को हम फॉलो करके ईद भी बनाएंगे और त्यौहार भी बनाएंगे। और जिसका माफी करते हम ये गुजारिश करते हैं जिस तरीके से रात में दोनों प्रोग्राम रात में चलते हैं रात में और गणेश जी शिव चतुर्थी की रात में, जिस तरह जस्कम का जो भी फॉल्ट है वक्त को दुरुस्त कीजिए और बिफोर आप भी सामने रहिए। लाइट से हर चीज की सहूलत होती है और जैसा पब्लिक इशू में जो भी वर्क होता है ऑफिसर तो हम गुजारिश करते हैं उसके ऊपर तो दीजिए। जैसे आजकल माहौल जो था डेंगू का चल रहा है, अतरा तरह गंदगी रहने से क्या बुखार से क्या बच्चों को डेंगू हो रहा है, इसी दरमियान में भी डेंगू से क्या सेहत खराब हो रहा है, ऑफिसर की गुजारिश करते हैं उसके ऊपर तो दीजिए।